टोटल 6-7 अरब मनुष्य पृथ्वी पर इस समय, जिसमें से 1.5 अरब निकाल दिया जाए, बाकी के 7 अरब भी अगर है तो 5.5 अरब लोगों को धर्म की सही माने नहीं पता। और क्यों 1.5 अरब निकालें, हमारे भारत में ही कौन से सब धर्मात्मा है? हम तो 50 करोड़ भी नहीं कह सकते हैं, तो 5.5 की जगह 6.5 करोड़। 50 करोड़ लोग ऑलमोस्ट गलती से ऐसे होंगे, वो भी 50 करोड़ में जबरदस्ती ज्यादा बता रहा हूं, है नहीं, जो इस बात को भाग्यवान अपने आप को समझेंगे कि हे ठाकुर आपने कृपा करके हमें भारत की भूमि पर पैदा किया और उसमें भी सनातनी बनाया। नहीं बजाओ, ताली नहीं बजानी, सुनो बड़े ध्यान से, तुम्हारे ऊपर ठाकुर की कृपा कैसी है, उनकी करुणा कितनी तुम्हारे ऊपर बरस रही है, ये मेरे ठाकुर जी कैसे साबित करें, कैसे सिद्ध करें, हम कैसे समझे कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है। तो हमें यही समझना चाहिए कि अगर गोविंद ने मनुष्य बनाया वो भी भारत की भूमि पर, और वो भी बना दिया सनातनी, तो ठाकुर के पास इससे ज्यादा तुम्हें कृपा करने के लिए कुछ है नहीं। ये सबसे बड़ी कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, सबसे बड़ी जो उनके पर्सनल डिपार्टमेंट का विषय था वो उन्होंने तुमको दे दिया विष्णु भगवान ने, कि जाओ तुम्हें मनुष्य बनाते हैं, और वो भी भारत का बनाते, वो भी सनातनी बनाते, सनातनी नहीं बनाते अन्य धर्म में डाल दे तो भी फंस जाते, तो भी फंस जाते, भारत में भेज देते अन्य धर्म में भेज देते तो कहां फिर ठाकुर से प्यार कर पाते। वैसे लड़ बढ़ के ही कुछ समय निकालना पड़ता, गाली गुली दे दाके जन क्या क्या। जन्म लेते हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि यही से शुभ कर्म करने करके मनुष्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण सुनने का फल, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु भगवान के इस पुराण की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब विष्णु पुराण संपूर्ण होता है। तारीख क्या को होगा पूरा है? 1 दिसंबर को, जिस दिन ये विष्णु पुराण पूरा होगा, आपके अब तक के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो चुके होंगे, अगर आप नियम से आज से सुने तो। और कई लोग सोचे चलेंगे लास्ट वाले दिन कच्छू ना मिल लो, ये भागवत को कर्म नहीं, ये विष्णु पुराण कितना भी सुन, लास्ट वाले दिन तुमको कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्टकट मैन, हर चीज शॉर्टकट में चाहिए, ना देवे ये, ना देवे ये, बिल्कुल भी ना देवे शॉर्टकट में, ये तो पूरा लेना पड़ेगा, पूरी कथा, पूरा रस, पूरा आनंद, पूरे 9 के 9 दिन लेना पड़ेगा, समझ रहे? तो आप लोग सभी इस भाव को समझें, और 1 दिसंबर तक सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसे आगे करोगे वो तुम जानो, तुम्हारा काम है। 1 दिसंबर तक की हम गारंटी लेते हैं विष्णु पुराण के बल के ऊपर। जन्मा जन्म जितने भी पाप हुए पिछले जन्मों में सब नष्ट हो जाएंगे, हमारा वाक्य नहीं है। और सुनो, आज जो तुम्हारे जीवन में दुख है ना, वो तुम्हारे पापों की वजह से, मेरे जीवन में जो दुख है वो मेरे पापों की वजह से, मैं जो भोग रहा हूं वो मेरे पाप है, आप जो भोग रहे हैं वो आपके पाप है। उन पापों को नष्ट करके उन दुखों से बचा जा सकता है, तो कैसे? बोले फिर हमें जो प्रमाण मिल गया, हमें जो प्रूफ मिल गया कि हम विष्णु पुराण की कथा को सुने, इसको सुनेंगे तो हमारे तब तक के पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे, वह इस लोक में सुखों को भोगकर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है,
तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण वेद तुल्य है तथा सभी वर्णों के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। सभी वर्णों के लोग, किसी के लिए देखो बड़ा तकलीफ होती है कि हम लोग वर्ण विभाजन में पड़ जाते हैं, जातिगत समस्याएं पैदा कर दी गई हैं हमारे देश में राजनेताओं के माध्यम से। भगवान के यहां कोई जातिगत समस्या नहीं है, भगवान के यहां कर्म समस्या है, जाति समस्या नहीं है। अगर श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी कोई निंदनीय कर्म करता है तो परमात्मा उसे छोड़ेंगे नहीं, और कितने भी छोटे कुल में जन्म लिया हो अगर उसने श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो परमात्मा कभी उसका त्याग नहीं करेंगे। सबरी हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। सबरी के झूठे बेर खाते, सदना कसाई के यहां जाकर भगवान उसकी चारपाई पर सो जाते हैं, ये साधारण बात है। कितने सेठों की चारपाई पर जाके भगवान सोए बताना, कितने ब्राह्मणों के घर में जाके भगवान जो है बेर खा रहे हैं। सबसे बड़ा अभिमान इन्हीं लोगों को, तीन लोगों को होता है जाति का अभिमान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्हीं को होता है ना भाई। हम ब्राह्मण है तो हम लोगों को यही घमंड रहता है कॉलर ऊंचे, हम भगवान ने ब्राह्मण बनाए। अरे ब्राह्मण बनाए हैं वो भगवान की कृपा है, लेकिन ब्राह्मण बने ये तुम्हारे कर्म डिपेंड करें। ब्राह्मण रहो तो सही, ब्राह्मण तो भगवान ने बना ही दिए, हम बने क्या, हम बने हैं क्या? कभी यहां बैठ कभी वहां बैठ कर उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई है। सर जजमानों की दक्षिणा पर नजर रखे, ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण हमेशा विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है, समाज के कल्याण, उसका भजन भी धर्म के उत्थान के लिए होता है। एक एक मनुष्य सुखी हो जाए ऐसी प्रार्थना से ब्राह्मण कर सकता है। सत्यनिष्ठ ब्राह्मण अगर हाथ में जल लेके भगवान से प्रार्थना कर दे तो भगवान झुठलाएगा नहीं, लेकिन जाति के अभिमान के कारण हम दूसरों को अपमानित करें भगवान स्वीकार नहीं करेगा। क्षत्रिय महोदय हाथ में तलवार लेके निकल जाए, मैं क्षत्रिय में सबको मार दूंगा, भगवान बोले रुक भेजता हूं अभी तेरे पास कोरोना, देखता हूं तेरी तलवार में कितना दम है। सेठ जी जेब में लेके पर्स घूम रहे हैं कि मैं जैसे चाहूं 2 करोड़ का 10 करोड़ का 20 करोड़ का चेक काट सकता हूं, मैं जैसे चाहे खरीद सकता हूं। तो आईसीयू रूम में पड़े पड़े कह रहे थे एक सिलेंडर लगा दे जिससे मेरी जान बच जाए, अब ला वो पैसा कहां है तेरे काम का। काहे की जाति का अभिमान भाई, जाति श्रेष्ठ नहीं है, कर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने पूर्व जन्मों के कारण हमें उन जातियों में जन्म दिया, समझ रहे हैं? यहां मैं किसी जाति का अपमान और सम्मान नहीं कर रहा, मैं भगवान की क्रिया को ही आप तक पहुंचा रहा हूं। सबरी ने श्रेष्ठ कर्म किया, राम जी जाके बेर खाए हुए, अब मेरी बात को इसको झुठलाओ कि राम जी नहीं गए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुलसीदास बाबा झूठ बोल रहे, तुलसीदास बाबा खुद ब्राह्मण थे। अगर उस समय जातिवाद होता तो तुलसीदास बाबा सबरी का प्रोग्राम कैंसिल कर देते, न लिखते, क्या फर्क पड़ना था बताओ ना भाई। भाई राम को लिखना ही था क्योंकि क्षत्रिय थे, पर उनसे थोड़ा उनका वर्चस्व भी बढ़ गया तुलसीदास बाबा का रामायण लिखने से। लेकिन एक प्रसंग नहीं लिखे थे सबरी का, क्या हो गया? कितने प्रसंग है जो नहीं आए रामायण में? एक दो प्रसंग थोड़ी है, वाल्मीकि पढ़ो उसमें और बहुत प्रसंग है। इवन पूरा उत्तरकांड ही जो लवकुश कांड खत्म है ही नहीं कहीं लवकुश के विषय में। तुलसीदास जब तू लवकुश को हटा सकते हैं तो एक सबरी को और हटा दे, नहीं। जिनका कर्म श्रेष्ठ है वो गाए जाएंगे। मैं देश की जनता से एक ही निवेदन करूंगा, ये वोट के लालची नेताओं के चक्कर में जातिगत विभाजन मत होने देना। सनातन एक है मेरे प्यारे, बचा के रखो इसको। आप सनातनी हो, हम लोग आजाद भी हुए हैं तो एक साथ लड़के हुए। मैं तो सनातनियों से अपील कर रहा हूं एक साथ रहो, बाकी के मेरे किसी से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ, पर सनातनी जातिगत समस्या में न फंसे। हम सब एक रहें और एक रहकर अपने देश को आगे बढ़ाएं, ये मेरी देश के सभी लोगों से प्रार्थना है। और मेरी बात को ब्राह्मण समझ के नहीं, ये कथावाचक समझ के स्वीकार की जाए।
क्योंकि मैं कथावाचक हूँ, मैं अपने देश का भला चाहता हूँ, मैं अपने समाज का भला चाहता हूँ, मैं अपनी संस्कृति का भला चाहता हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी जाति में जन्म आपका हुआ है, मैं आपका भला चाहता हूँ। ये व्यासपीठ में जो लोग बैठेंगे वो पर्सनल ब्राह्मणवादी नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे उन्होंने हम सबके लिए लिखे हैं। इसमें भी स्पष्ट लिखा है, बहुत से लोग ये कहते हैं ब्राह्मण लोग हमें मंदिरों में नहीं जाने देते, किसी ने हमारे नाम से भी कह दिया था, मैंने कभी नहीं कहा, और न हमारे लोग कहते, सब जा सकते हैं मंदिर। प्रिया कांजू का मंदिर कभी पूछता है किसी से कौन सी जाति के हो, सबके लिए दरबार खुले हैं, और यहां पर भी ऑलमोस्ट हर एक जाति का व्यक्ति यहां बैठा हुआ है इस समय भी। ये कहना हमारे ऋषियों ने कोई भेद नहीं किया, हाँ कुछ जाति के नेता बनना चाहते हैं उन्होंने विभाजन आपका किया, तो उनसे बचे रहो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। एक दो लोग कुर्सी पाने के चक्कर में ऐसा करते हैं और आप उनके पीछे लग लेते हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, कुछ करना है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, जो करना है करो, पर धर्म के प्रति अश्रद्धावान मत बनो, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। तो ये बात मैंने इसलिए कह दी क्योंकि इस पे लिखे हैं कि विष्णु पुराण को श्रवण कर सकते हैं सभी वर्णों के लोग, इसमें लिखे हैं। इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण करने पर मनुष्य आयु क्या क्या पाता है, सुनो ध्यान से, जो लोग विष्णु पुराण श्रवण करते हैं उन लोगों को क्या क्या मिलते हैं, उन्हें आयु की प्राप्ति होती है, वो दीर्घ आयु होते हैं, कीर्ति की प्राप्ति होती है, वो कीर्तिमान होते हैं, यशमान होते हैं, धन भी प्राप्त होता है। अगर कोई इस भाव से सुने कि हमें धन मिल जाए तो उसे धन भी प्राप्त होता है, आजकल तो इसी भाव से ज्यादा सुनेंगे लोग, कैसे करके लक्ष्मी टूट पड़े हमारे छप्पर फट जाए और लक्ष्मी आ जाए, कहूंते एक ही डिमांड है नारायण की कम, इसीलिए हमने कहा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान नारायण की अकेले की हिम्मत ना हो बेचारे की कि मैं अकेले चले जाऊं, हमारे लक्ष्मी नारायण बोल पहले कह तुम भी चलो, क्यों भगवान भी जानते हैं कि लक्ष्मी के बिना मेरे वो पूजा पाठ उत्सव इतने बड़े नहीं होंगे, तब कहते तुम संग चलो, हम क्यों जाएं, बोला तो आपको राय, अरे तुम हमारी तो हो चलो ना संग, और पति अकेले जाते हुए थोड़ी अच्छी लगी, पत्नी को साथ चलना चाहिए, तब भगवान कहते चलो अच्छा ठीक है तुम, पत्नी कहती अरे हम कहाँ आपको छोड़ना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। शिकायत ना कोई अर्जी करा लो भगवान जो भी तेरी मर्जी, ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी करा लो भगवान जो भी तेरी मर्जी।
सहाओगे नाथ जो भी सहाओगे नाथ जो भी ओ अस के सहोगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलो हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, ऑलमोस्ट सब ब्रजवासी इस पद को जानते हैं। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया चेरी होए रहे चरणन लपटाने। इसका मतलब समझो, अधिकांश व्यक्ति लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में लगा हुआ है और नारायण को भूले बैठा है। जो व्यक्ति नारायण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों में पड़ी रहती है, उन्हें कभी छोड़ के जाती नहीं है, कभी भी नहीं। इसलिए लोग बृहस्पति बार का व्रत करते हैं, केला का पूजन करते हैं और नारायण की पूजा करते हैं। और जो लोग बृहस्पति बार का पूजन करते हैं, केला का पूजन करते हैं, नारायण भगवान का पूजन करते हैं, गुरु सक्षम होते हैं उनके और नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता उनके यहाँ कृपा बनाए रखती है। ये बात सिद्ध हो गई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। अगर नारायण को प्रसन्न कर लोगे तो लक्ष्मी जी कभी तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अकेली लक्ष्मी को मनाओगे, आएगी और चली जाएगी। इसीलिए लोग जल्दी जल्दी कंगाल भी हो लेते हैं, टाइम पास हो जाता है उनका, है ना। तो मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि जब कथा पूरी होगी 4 बजे आस्था पे, तो आप YouTube चैनल पे आ जाइएगा हमारे पे। आज थोड़ी इनको नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है, पर फिर भी भगवान से प्रार्थना करते कि आगे ना हो आपको, तो आप जो है वहाँ आ जाएं। इसके बाद हम आज आपकी नींबू मिर्च की समस्या खत्म करें। कई दिन से चल रही है ये समस्या, लंबी हो गई है। पहली बार नेताओं जैसा हुआ हमारे संग कि कहते जा रहे हैं, हो कुछ रहा नहीं, तो आज फाइनली हम कर डालेंगे इस समस्या का समाधान, आज कर देंगे। तो आप आ जाइएगा। और अभी विष्णु पुराण की हम लोग विशेष बातें बता रहे हैं, उसी में समय निकल जाएगा आस्था पे, लेकिन शेष कथा भी यूट्यूब चैनल पे आप इसको श्रवण करेंगे। जो व्यक्ति विष्णु पुराण सुनते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है, संपूर्ण आयु उन्हें मिलती है। आयु वृद्धि मतलब ऐसा नहीं कि तुम 150 साल जियोगे। विष्णु पुराण का आप शॉर्टकट में यह समझ सकते हैं, अकाल मृत्यु नहीं मरोगे, जितनी लिखा के लाए उतनी तो मिलेगी। कई बार आयु लंबी लिखा के लाते हैं लेकिन बीच में कुछ ऐसे कर्म बन जाते हैं जिससे अकाल मृत्यु हो जाती, उससे बच जाएंगे, तो उससे आयु की प्राप्ति होगी, यश का अनुभव होगा कि आपको यश की प्राप्ति होगी, लोग आपका सम्मान बढ़ाएंगे। दूसरा, धर्म के प्रति श्रद्धा मिलेगी, मतलब धर्मवान बनोगे आप, धर्मवान बनोगे, धर्म की भी प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है, जिसके बिना व्यक्ति शून्य है वो है विद्या, ज्ञान। कुछ भी हो अगर आप में ज्ञान नहीं, आप बुद्धिमान नहीं, तो वो सब कुछ नगण्य है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए विष्णु पुराण सुनने वाले व्यक्ति को, मनुष्य को, विद्या की भी प्राप्ति होती है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि मनुष्य को एक बार नहीं, बार बार विष्णु पुराण की कथा सुनते रहना चाहिए, और जीवन में एक बार तो अवश्य सुननी चाहिए। और अगर एक बार भी सुनने को मिल जाए, वो भी गुरु जी के मुख से मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या है, वो तो और भी श्रेष्ठ है। तो जीवन में एक बार भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए, शिव पुराण की कथा, भागवत जी जुबान पर चढ़ी हुई हैं, तो एक बार अवश्य सुने। तो प्रश्न आपने सुनी लिए,
जो मैत्रेय जी ने प्रश्न किए वो सुन लिया आपने, याद है पक्का? अब उनका अर्थ सुनो। श्री पाराशर जी ने मैत्रेय जी के प्रश्नों के उत्तर दिए। साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मरोति अस्मि पुरातनम्, पितुः पिता मे भगवान् वसिष्ठो यदुवाच। पराशर जी कहते हैं, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे पितामह वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन पूर्व काल में मुझे किया था, तुमने अचानक से मेरी स्मृति जागृत कर दी, मुझे याद दिला दिया। ये जो पराशर जी हैं, ये वशिष्ठ जी के नाती हैं और वशिष्ठ जी के पंती हो गए पारस व्यासी। समझ गए? नहीं समझे? समझ में आई कि नहीं? नाती पुत्र हो गए वेद व्यास से, किनके? वशिष्ठ जी के। और वशिष्ठ जी कौन है? राम जी के गुरु। राम जी कौन है? भगवान। भगवान के गुरु कौन है? भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और भगवान गुरु के प्रति कितने श्रद्धावान हैं, ये तो भगवान रामचरितमानस जब आप सुनते हो तो पता चलता है। जैसे ही सुनते गुरु जी आए तो उनके रोम रोम पुलकित हो उठते, दौड़ पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए। आजकल चेला को पता चल जाए गुरु जी आए तो वैसे जो सारे नहीं है ऐसे बेचारे, बहुत लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े रहते हैं, हम जाते हैं तो बेचारे बड़ा प्रेम करते हैं। हमारे जैसे चेले, अधिकांश चेले सबको मिले, दो चार अलग काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लोग हैं, वो वैसे चेला किसी गुरु को न मिले। पर जो अच्छे ऑलमोस्ट हैं, भगवान सबको ऐसे शिष्य दे जिससे धर्म आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, चेलाओं का धर्म का कल्याण हो, गुरु का भी मन लगे, है ना, ऐसे भगवान सबको दे। पाराशर जी कह रहे हैं, मैत्रेय जी तुम बहुत अच्छा प्रश्न किए हो, तुम्हारे इस प्रश्न के कारण, तुम्हारे इस प्रश्न के कारण मुझे मेरे दादाजी की बात याद आ गई। मेरे दादाजी का जो वृतांत है वशिष्ठ जी का, वो मुझे अचानक से याद आ गया और तुमने बहुत अच्छा किया मुझे ये सब याद दिलाकर, जिसका वर्णन मैं तुमसे अवश्य करूंगा। पूर्व प्रसंग तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मित्रे, जब मैंने सुना कि मेरे पिताजी को एक बहुत विचित्र सा प्रसंग है, विचित्र क्या है, सुंदर प्रसंग है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब आस्था पे पूरी हो जाए कथा तो आप जो है चले जाएंगे यूट्यूब चैनल पे और वहाँ जाके सुनेंगे। एक बहुत प्यारी कथा आती है, पाराशर जी के पुत्र को, पाराशर जी के पिता को, वशिष्ठ जी के पुत्र को एक राक्षस ने खा लिया था। ध्यान से सुनना, वो भी कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी मार्मिक कथा है। एक दिन की बात है कि शक्ति एकायन, शक्ति इनके पिताजी का नाम था, एकायन मार्ग द्वारा पूर्व दिशा से आ रहे थे, पूर्व दिशा से इनके पिताजी आ रहे थे। दूसरी ओर पश्चिम से एक राजा कल्माषपाद, कल्माषपाद एक राजा थे
दूसरी दिशा से आ रहे थे, एक दिशा से ये आ रहे थे, एक दिशा से पूर्व और पश्चिम ऐसे आमने सामने से आ रहे थे। जब आमने सामने से आ रहे थे तो वो जो गली थी, जो मार्ग था, वो सकरा था। राजा तो रथ में था और ये पैदल ही थे। और वो रास्ता ऐसा था कि एक ही व्यक्ति उस रास्ते से निकल सकता था, दूसरा नहीं निकल सकता था। धर्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, है? धर्म ये कहता है कि राजा पीछे हटे और एक ऋषि को, एक ब्राह्मण को आगे जाने दे, वो पीछे जाए, फिर वो निकल जाए तो फिर जाए। ये हमारा धर्म कहता है, आधुनिक ज्ञान नहीं। आधुनिक ज्ञान क्या कहता है, अरे पंडित जी को क्या बात करते तुम लोग, मंत्र राजा पीछे जाएगा, आज का कोई राजा आता तो, और ऐसी व्यवस्था हो जाती तो आज ही के युग का कोई राजा आ जाए और हम जैसा कोई पहुंच जाए, डाल डूल के तिलक विलक लगा लगू के आगे खड़ा हो जाए, क्या करेगा राजा? राजा तो बाद में करेगा, उसके लोग उठा के बाहर फेंक देंगे, बटो यहां से फालतू की बातें करते, आए पंडित जी कहीं के। पता नहीं ब्राह्मण लोगों ने बुद्धि खराब कर रखी, हमारे लोग तो खराब दिमाग खा गए। राजा लोग तो बाद में कहे, उनके चमचे उठा के बाहर फेंक दे, क्यों? What is the problem? Problem is that they don't know what is our religion says. न धर्म पता है, न धर्म के संदर्भ में कोई नॉलेज है, बस मनुष्य बन गए हैं, जी रहे हैं। अब व्यवस्था तो यह है कि सामने से राजा आ रहा है और सामने से राजा है और एक ब्राह्मण है। धर्म ये कहता है कि राजा अपना रथ पीछे करे और एक संत को जाने दे, असंत वो जो ऋषि हैं वो अपने भजन करते हुए आ रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये नहीं हटे पीछे, धर्म का पालन करें। तो ये होना तो ये चाहिए था, पर ये हुआ नहीं, हुआ कुछ उल्टा। राजा ने कहा हटो आगे से, देख नहीं रहे हमारा रथ आ रहा है, देख नहीं रहे हम निकलेंगे यहां से। हाँ हाँ निकलोगे, पर तुम हमारे बाद निकलोगे, संतों की सेवा करना सीखो, ब्राह्मणों का आदर करना सीखो, निकलोगे हमारे बाद में, पहले नहीं। तुम जानते हो मैं राजा हूं? हाँ मालूम, आप राजा हो तो? बोले तुम राजा हो तो तुम्हें राज धर्म का पालन करना चाहिए, जैसा आचरण तुम करोगे वैसा ही आचरण तुम्हारी प्रजा भी करेगी। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस राज्य का राजा धर्मात्मा होता है उस राज्य की प्रजा भी धर्मात्मा हो जाती है धीरे धीरे, और जिस राज्य का राजा अधर्मी होता है वो प्रजा भी अधर्मी हो जाती है। इसलिए ये परम आवश्यक है कि राजा धर्मात्मा हो और धर्म को सिर्फ शब्दों में बयान न करे, अपने आचरण से प्रदर्शित करे। ऋषि ने कहा अगर तुम राजा हो तो तुम राज धर्म का पालन करो, शास्त्रीय धर्म का पालन करो, और धर्म ये कहता है कि तुमको पीछे हटना चाहिए, जब एक संत ब्राह्मण आए हैं तो तुम पीछे हटो। वो जो राजा था कलमासपाद, उसको आ गया क्रोध। अच्छा सबकी धार्मिक प्रवृत्ति होती नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति थी, तो उसने लगाना शुरू किया, पकड़ो बाबा को, मारो कोड़े इसमें। ये किन के साथ हो रहा है? वशिष्ठ जी के पुत्र के साथ। ये अब की घटना नहीं है, पूर्व काल की घटना। मारो कोड़े, सेवकों ने आके कोड़े मारना पर चाहा, उसी समय शक्ति मुनि को क्रोध आ गया और साफ दे दिया तेरी तो दुष्टों जैसी प्रवृत्ति होगी, तू राक्षसों जैसा व्यवहार करता है,
साधु संत ब्राह्मणों का अपराध करता है, जा तो जैसे साप देते तू राक्षस हो जा, ऐसा साप देते, तत्क्षण वो राक्षस हो गया। हम लोग सोचे आजकल हमें कौन साप देगा, आजकल के लोगों का साप लगेगा नहीं, लगता तो है पर दिखता नहीं, साप तो लगता आज भी। जब कोई साधु कोई संत इस लायक किसी भय से तुम्हारे अपराध करने पर भी अगर वो पीछे हट जाए या तुमसे कुछ न कहे तो तुम्हारे उस कर्म का फल भगवान देते हैं। नहीं नहीं ताली नहीं बजानी, हमने मना किया है। अगर तुम किसी के साथ बुरा व्यवहार करो दुर्व्यवहार करो, हो सकता है तुम्हारे बल से तुम्हारे तप से या किसी वजह से वो तुमसे कुछ न कहे या वो स्वयं क्षमाशील होते क्षमा भी कर दे, तो अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो और भी कठोर दंड देगा कौन, परमात्मा। प्रॉमिस, मैं ब्राह्मणवादी आदमी नहीं हूं पर मैं धर्मवादी आदमी अवश्य हूं। मैं सबका भला चाहता हूं, आपका भला चाहता हूं, आप किसी भी वर्ण के हो, साधु भक्त ब्राह्मण इनका अपराध मत करो, कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें, कोई भी नहीं, भगवान भी चाहकर नहीं बचा सकेगा तुम, इसलिए बची रहो। क्यों करना ही क्यों है, जब हमें कहीं किसी से बात पता चल गई कि ऐसा करने से ये होता है तो मत करो, इग्नोर करो उस समस्या को। साप दे दिया, शक्ति के साप से राजा तत्क्षण राक्षस हो गया, लेकिन राक्षसों का भोजन तो मनुष्य भी होता है, तुरंत राक्षस बना कल्मषाद पाद जो है वो शक्ति के ऊपर टूट पड़ा, रोनी को भोजन समझ के खा गया, उन्हीं को खा गया। अब सांप तो दिए ही थे, अब उनको जब खा गया तो वो समाप्त हो गए। जब पाराशर ऋषि जी को इस बात का पता चला कि मेरे पिता को, अच्छा यहां पर एक विष्णु पुराण में ऐसा यहां पर मिला है, इसमें श्लोक है, विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षिता पुरा। विश्वामित्र जी की प्रेरणा से, क्योंकि विश्वामित्र जी की में और वशिष्ठ जी में 36 का आंकड़ा है, यहां लिखा हुआ है कि मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया। जब मैंने ये सुना कि विश्वामित्र जी की प्रेरणा से मेरे पिता को राक्षस ने खा लिया तो मुझे बहुत क्रोध हुआ, तब राक्षसों को ध्वस्त करने के लिए मैंने एक यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हुए। जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को किसी राक्षस ने खा लिया है तो फिर उन सभी राक्षसों को दंडित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए मैंने ऐसा यज्ञ प्रारंभ किया जिस यज्ञ में सभी राक्षस लोग जलने लगे, नष्ट होने लगे और मिटने लगे। ऐसा यज्ञ मैंने प्रारंभ किया और जैसे जैसे आहुति देते राक्षस स्वाहा होने लगे, बड़े राक्षस महाराज स्वाहा हो गए, बलि का बकरा बने। बहुत राक्षस जब जलकर भस्म हो गए और राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह, मींस दादाजी, आजकल पितामह कह देंगे तो या तो पितामह भीष्म याद आते हैं या फिर पितामह का मतलब नहीं समझते, पितामह का मतलब है दादाजी, आज की भाषा में ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को क्या कहते हैं हमारे यहां शास्त्रीय भाषा में, पितामह। प्रणाम करता हूं पितामह, पितामह आपके श्री चरणों में नमन करता हूं। भाई देखो हमें तो मौका मिला नहीं पितामह को, पितामह बोलने का, हम बहुत छोटे थे, हमें याद, हम गए थे हमारे पितामह की अंतिम यात्रा में हम गए थे, हमें ये याद है, बहुत छोटे थे, ठंडियों में पितामह गए थे, शाम या रात्रि में चले गए थे तो रात्रि भर घर में ही रहे और सुबह फिर उनको लेकर गए, मुझे ये भी याद है। मुझे ये भी याद है कि हमारी माताजी जब हम जा रहे थे, छोटे से थे सब जा रहे थे, हम भी, हमें तो ये भी नहीं पता था रोना है कैसना है, इतनी छोटी एज थी हमारी,
हमें ये भी नहीं पता था रोते हंसते क्या होता है। तो हमारी माँ ने हमारे सर से कुछ बांध के कपड़ा गरम सा, जाओ अपने दादाजी को पीछे पीछे जाओ दादाजी के। तो हम जमुना जी तक गए थे, इतना हमको याद है हल्का सा। तो हमें अवसर नहीं मिला वो उनको पितामह कहने का, लेकिन जो घर में आज हमारे विष्णु पुराण की कथा सुन रहे हैं उनसे एक प्रार्थना करेंगे, अगर संभव हो सके तो दिन में एकाध बार अपने दादाजी को पितामह जरूर कहा करिए, ये शास्त्रीय भाषा है, अच्छा लगेगा। दादी को क्या कहते हैं? पिता माता मही ऐसे, दादी को दादी बोल देना, कहीं मुझे भी कंफ्यूजन ना हो जाए। वो दादी को दादी से काम चला, दादाजी को पिता मह कह लेना, क्योंकि नानी को भी कुछ ऐसे ही कहते हैं। हैं अलग अलग शब्द हैं, अगर मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएंगे। दादी के लिए अलग शब्द है और नानी के लिए अलग शब्द है, इसी में रिश्ते भी बहुत प्यारे हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में। तो बता देंगे आपको अगर जानने की इच्छा होगी तो। पर अभी सुनो, पितामह मीन्स वशिष्ठ जी पाराशर ऋषि जी के पास में आए, और बड़ों का मैं ये कथा इसलिए मैं पुलकित हो गया था, ये जब पढ़ रहा था मेरी रोम रोम खिल रहे थे, मेरी आंखें भर आई थी, अभी बोल रहा हूँ मेरी आंखें फिर भर आई हैं। कितना संस्कारों से संपन्न है मेरी संस्कृति, आज भटका हुआ भारत कौन सी दिशा में जा रहा है? क्रोध में भरे हुए बेटे को जो कि पिता की हत्या से दुखी है, जो चाहता है कि जिसने मेरी पिता की हत्या की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मार डाल, उसके वंश का नाश, और बेटे का यही धर्म है अपने पिता के अपमान का बदला लेना, ये प्रत्येक बेटे का धर्म है। वो पुत्र पुत्र नहीं जो पुत्र अपने पिता के अपमान का बदला ना ले सके, काहे का पुत्र है। जवान पुत्र के होते हुए मां बाप का अपमान हो जाए तो पुत्र के लिए धिक्कार है, इसलिए कभी भी ये कोशिश कीजिए कि हमारे रहते हुए हमारे माता पिता का आज कहां से लाओगे, ये हृदय कहां से लाओगे, ये पौरुष कहां से लाओगे, ये शक्ति। गंदा भोजन देकर आपने, गंदी पढ़ाई देकर हमारे बच्चों को गंदा चरित्रवान बना दिया है, क्या इतना पौरुष है? आजकल के बच्चों से पूछ लो, पापा की गलती थी इसमें, मैं क्या बोलता? सीधा बोलेगा, एक मिनट लगेगा, क्यों? इसलिए नहीं कि इसलिए कि उसमें दम ही नहीं है बाहर जाके कुछ बोले, लड़े कहां से किससे, अंदर कलेजा भी तो चाहिए, वो कलेजा कहां से आएगा? एक बात सीख लीजिए, आपके जीवित रहते हुए आपके गुरु का अपमान न हो, आपके जीते रहते हुए आपके माँ बाप का अपमान न हो, आपके जीते हुए आपके धर्म का अपमान न हो, तो समझना मनुष्य जीवन सफल हो गया, तब समझना सफल हुआ। बाकी आए खाए कमाए मर गए सो गए, बस बेकार जी जिंदगी, राक्षस से ज्यादा कुछ जिंदगी नहीं है। सुनो, क्रोध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पाराशर ऋषि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उस यज्ञ में तमाम राक्षस जलकर स्वाहा हुए। उसी समय वशिष्ठ जी आए अपने नाती के पास और सर पे हाथ फेराते हुए प्यार करते हुए बोले, और कितने लोगों को मारोगे? बड़ों का होना बहुत जरूरी होता है जीवन में, कभी कभी बड़े रोक लेते हैं गलत काम करने से, इसलिए भगवान सबके पास एक बड़ा जरूर होना चाहिए जिससे भय मर्यादा और आज्ञा पालन करने की जिद बनी रहे, एक बड़ा जरूर रहे जीवन भर, अपने जीवन में एक बड़ा जरूर रखो, निवेदन है मेरा आप सबसे। वशिष्ठ जी ने कहा, और कितने लोगों को मारोगे? तुमने अब तक बहुत राक्षसों को मार दिया है, बहुत राक्षसों को तुमने मार दिया है, अब थोड़े शांत हो, जो तुम्हारे पिता थे वो मेरे पुत्र थे,
ताकि जाने का दुख कम होता है, पुत्र के जाने का दुख ज्यादा होता है। परंतु मैं जानता हूं नियति को कोई नहीं टाल सकता, नियति भाग्य कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारे पिता को ऐसे ही जाना था, मैं जानता हूं इस बात को, उनको ऐसे ही जाना था। और लोग शरीर को मार सकते, किसी के विचारों को नहीं मार सकते। व्यक्ति मरता है, उसके विचार थोड़ी मरते हैं। विचारवान बनो। भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। प्रियवर यह क्रोध मन, ध्यान से सुनना कितनी गजब की बात वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। इसलिए राम जी के गुरु थे ना, कितनी गजब की बात अपने नाती को समझा रहे हैं। प्रियवर ध्यान से सुनो, इस जो क्रोध तुम जो कर रहे हो, ये जो क्रोध है मनुष्य का अत्यंत कष्ट से जो यश तप प्राप्त होता है, ये क्रोध उसे नष्ट कर देता है। जो भी हम पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भजन करते हैं, बड़ी मेहनत से संग्रह करते हैं, लेकिन क्रोध उसे एक क्षण में नष्ट कर देता है। जब आपको क्रोध आता है ये सब नष्ट हो जाता है। क्रोध इन सब का प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाला ये क्रोध ही तो है। लोक भी बिगाड़ देता है, परलोक भी बिगाड़ देता है। इस क्रोध को तुमसे निवेद, हम तुमसे कहते हैं तुम इस क्रोध के वशीभूत मत हो, इस क्रोध को त्याग दो। इसमें ये क्रोध तुम्हें नष्ट कर रहा है। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा सबसे बड़ा धन है, साधुओं का वो है क्षमा, इन्हें क्षमा करो। ये उपदेश कौन दे रहे हैं? जिनका पुत्र गया है, जिनका पुत्र गया है, वो कह रहे हैं साधुओं का श्रेष्ठ धन है क्षमा, तुम इनको क्षमा करो। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों को गौरव का विचार करके मैंने यज्ञ उसी समय समाप्त कर दिया। उसी समय, ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, ये कथा मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि मैं पाराशर जी का यश गान कर रहा हूं, ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कितने बड़े क्रोध से वो यज्ञ किया गया होगा, कितने बड़ी विचारधारा के साथ वो यज्ञ किया गया हो जिसमें अनेकों राक्षस मारे गए थे। लेकिन जब दादाजी ने कहा कि नहीं ये उचित नहीं बेटा, एक क्षण बिना विचार किए, बिना किंतु परंतु किए, बिना ये सोचे कि दादाजी आप क्या कह रहे हो, मेरे पिता गए हैं, दादाजी ने कह दिया यज्ञ संपन्न। बड़ों को बच्चों को संभाल के रखना चाहिए और बच्चों को बड़ों की हर बात पालन करनी चाहिए, बिना ये सोचे समझे ये उचित है कि अनुचित है। उसको घर कहते हैं, उसे परिवार कहते हैं, जहां सब अपनी अपनी चलाएं। अरे महाराज कितने छोटे तो ऐसे शकल भी नहीं दिखाते अपनी, मनमानी, और फिर घर तो अशांत होगा ही, परिवार में अशांति होगी। क्यों? तुम मनमानी चला रहे हो भाई, अपने बड़ों की नहीं सुनते हो। और जिस घर में बड़ों की नहीं मानी जाती है वहां शांति नहीं रहती है, अशांति ही रहती है। इसलिए आग्रह निवेदन आप सबसे, आप लोग सभी वशिष्ठ जी के और पाराशर मुनि के इस प्रसंग को जीवन भर याद रखना। मृत्यु से बड़ा क्रोध दिलाने वाला कोई विषय नहीं है, वो भी पिता की मृत्यु हुई नहीं, कर दी गई थी। प्रतिशोध के लिए यज्ञ प्रारंभ किया था, और जब दादाजी ने समझाया एक क्षण सोचे बिना
कि ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पराशर मुनि ने वो यज्ञ बंद कर दिया। जैसे ही यज्ञ संपूर्ण हुआ, वहां एक और बात बड़ी अच्छी हुई, उसी समय इससे वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए थे कि तुमने एक क्षण भी सोचे बिना मेरी बात मानी, तुम बहुत अच्छे हो। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां पर पधारे और हे मैत्री पितामह वशिष्ठ जी ने जब अपने घर पे पुलस्त ऋषि को आया हुआ देखा तो उनके चरण प्रक्षालन किए। देखो यहां साधु साधु का आदर कर रहा है, अर्घ दे के बैठा ला। देखो साधु की सेवा कितना बड़ा फल है। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, आप जब कोई भी साधु की सेवा अपने जीवन में करते हो उसी समय आपके संचित पापों में से 80% पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप साधु सेवा करते हो, अतिथि सेवा कर, जैसे साधु कोई आए और आप उनकी सेवा में 80% आपके पाप उस समय नष्ट होते हैं। जीवन में इसलिए साधुओं का आना और उनकी सेवा कंपलसरी रखनी चाहिए जीव को। आज दुर्भाग्य से हम साधु संतों के प्रति श्रद्धावान नहीं रहे, करते भी तो मजबूरी में। पाप नष्ट नहीं होते, पाप बढ़ते हैं। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु पुलस्त ऋषि का अर्घ देकर चरण प्रक्षालन करके उनका स्वागत करते हैं। मैत्रेय जी मेरे पितामह ने उनका स्वागत किया, मैंने उनके चरणों में दंडवत किया। तब महर्षि पुलस्त ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त जी तब महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, तुमने चित्त में बड़ा बैर भाव रहने पर भी, ध्यान से सुनना, तुमने चित्त में मतलब अपने हृदय में बैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे, ये मेरा आशीर्वाद है। पुलस्त ऋषि कहते हैं बड़ों की आज्ञा का पालन करने से मनुष्य निश्चित बहुत कुछ पाता है, बहुत कुछ जो आजकल मनुष्य समझता ही नहीं है। हे महाभाग अत्यंत क्रोध होने पर भी तुमने मेरी संतान का, वो इन्हीं के वंशज थे सारे राक्षस लोग जो है, ध्यान से यहां पे कह रहे हैं कि अत्यंत क्रोध होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेदन मतलब सर्वनाश नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने दादा की बात मानी। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूं, हे बस तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे। पुराण संहिता करता भवान वत्स भविष्यति, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति होगी और निवृत्त भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाओगे। पुलस जी के इस तरह कहने पर अनंतर फिर पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा, यह हमारा आशीर्वाद है। जो कहा दादाजी बोले पितामह कि जो पुलस जी ने कहा वो सब सत्य हो, हम भी ऐसा आशीर्वाद हमको देते हैं। मैत्रे इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त जी को जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया। अतः हे मैत्रे मैं तुम्हें पूछने पर जो जो तुमने मुझसे पूछा है मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा, जो तुम जानना चाहते हो अथवा जो मुझे पता है वह भी मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा वही एकमात्र जगत के कारण हैं। बोलो नारायण भगवान की। ऐसे नहीं जय, जरा जोर से है, बोलो नारायण भगवान की। बोले नारायण भगवान की। तो नारायण भगवान ही समस्त। अच्छा सुनो, इस बात से हमने क्या सीखा इस प्रसंग से? मुझे पता है मुझे नींबू मिर्च बतानी, आज ये समस्या खत्म करके ही छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। आज तुम्हारे फ्रिज में नींबू नहीं रहने दूंगा चाहे कुछ हो जाए।
या तो नींबू रहेगा या फिर मिर्ची रहेगी, दोनों नहीं रहने दूंगा आज पक्का। आज आपकी नींबू मिर्ची की समस्या खत्म कर दूंगा। ध्यान से सुनो, अभी सुनाऊंगा, मतलब टाइम है थोड़ा अभी और। जो लोग विष्णु पुराण की कथा सुनने आए, अच्छा बताओ कैसा लगा आज का आपको प्रसंग है? मुझे नहीं पता बुजुर्गों को कैसा लगा हो, लेकिन बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। यहाँ जिस इस प्रसंग को कहने का जो मेरा पर्सनली उद्देश्य था, वो आप सबको ये बताना कि बड़ों की क्या जिम्मेदारी है और बच्चों की क्या जिम्मेदारी है। बड़े बच्चों को गलत रास्ते पे प्रेरित न करें, और बच्चे वही करें जो बड़ों के द्वारा बताया जाए। आज आपके जीवन में 90% जो युवा हैं, ध्यान से सुने, 90% आपकी समस्या की वजह आपकी जिद है। 90% हमारी मूर्खता के कारण हमें दुख मिलते हैं। क्या आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने माता पिता से सलाह मशवरा करें, विचार विमर्श करें? क्या आपके माता पिता आपको गलत रास्ते पे जाने देंगे? हाँ, कभी कभार यह भी संभव है कि आपके माता पिता या दादी दादा आपको गलत के लिए प्रेरित करें, वहां आप स्टॉप हो जाइए। ये प्रहलाद जी ने करके बताया इतिहास में। प्रहलाद जी ने कोई अपने पिता की बताई हुई गलत बात नहीं की, और अच्छी बात में कभी उनका विरोध नहीं किया। जितने भी बच्चे हैं वो वशिष्ठ जी के इस उपदेश को सुनकर, इस सिचुएशन को अपने दिमाग में रखकर, और फिर पाराशर जी के निर्णय के बारे में सोचिए। पाराशर जी इतने सक्षम थे कि सभी राक्षसों को जला रहे थे, लेकिन दादाजी ने कह दिया तो ये भी नहीं पूछा, दादाजी आप ऐसा क्यों चाहते हो, कि आपको मेरे पिताजी से प्यार नहीं था? आज का बच्चा उधर पूछता कि नहीं, बोलो पूछता कि नहीं? इन्होंने पूछा। बड़ों की किसी भी आज्ञा में किंतु परंतु की कोई जगह नहीं। जो बच्चे बड़ों की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता, और आ भी जाता है तो सिर्फ चरण स्पर्श करने आता है, रुलाने नहीं आता। मैं निवेदन करूंगा अपने बच्चों से, अपने माता पिता दादी दादा इन बड़ों के प्रति झुके रहिए, विनम्र बने रहिए, आदर कीजिए इनका, बड़ों का। ये प्रसंग मेरे को बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आपको बताया। सृष्टि वर्णन के विषय में मैं कल बताऊंगा आपको, यहां से आगे का जो प्रसंग है विष्णु पुराण का वो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपके नींबू मिर्चों का केस खत्म करता हूं। ये मेरी अदालत में पिछले कई दिनों से चल रहा है और मैं बड़ा परेशान हो गया हूं इस केस को सुनते सुनते, इसकी सुनवाई। तो आइए मैं आज इसका फाइनल जजमेंट बताता हूं आपको। नींबू और मिर्च राधे राधे, ध्यान से सुने, एकदम ध्यान से। और मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग इस समय YouTube चैनल पर सुन रहे हैं, अच्छी खासी संख्या आप लोगों की है ऐसा इशारा करके हमारी टीम बता रही है, तो मैं आपसे भी एक आग्रह करूंगा कि आप लोग भी, मैं इसको शुरू करूं उससे पहले पहले लोगों तक थोड़ा और शेयर कर दीजिए, जिससे उनके घर की समस्या का वही समाधान हो जाए। मैं जो ये बताने जा रहा हूं, ये आपकी तमाम घर की समस्याओं का समाधान है। अधिकांश लोग कहते हैं हमारे घर में परिवारिक जनों से नहीं बनती। आप अधिकांश ये समस्या प्रत्येक घर की है आजकल, कि महाराज हम कमाते हैं पर धन नहीं रुकता। प्रत्येक समस्या है महाराज, पति पत्नी में नहीं बनती, प्रत्येक घर की समस्या है ऑलमोस्ट। भाई भाई में नहीं बनती है, मेहनत बहुत करते हैं पर शांति नहीं। इन सब समस्याओं का एक और रीजन है, उस समस्या का समाधान आज से ही करना। आज से ही नहीं, मैं तो कहूंगा अभी से, बस मेरे बोलते ही शुरू कर दो। याद करो किस किस के घर में नींबू है, नींबू मिर्च एक ही जगह फ्रिज में रखें, रखें नींबू मिर्च एक ही जगह पे फ्रिज में रखें, रखें फ्रिज में। हाँ, नींबू मिर्च का एक ही जगह रहना एक दोष है।
हम जो कह रहे हैं फिलहाल वो सुनो, एक ही जगह पर रहना एक दोष है। नींबू मिर्च कभी भी एक जगह पर रहना नहीं चाहिए, और जब सब्जी वाला आपको नींबू मिर्च खरीदते समय एक ही पैकेट में डाल के दे तो उसे रोक दो, उसे रोक दो कि एक पैकेट में मत डालो, अलग अलग पैकेट बनाओ। वो नहीं देते तो तुम अपनी पैकेट अपने यहां से लेके जाओ, पॉलिथीन लेके जाओ या कोई कागज, पॉलिथीन प्लास्टिक यूज मत करो। मेरा निवेदन है आप सबसे, यहां पर एक मैसेज भी दे देता हूं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्लीज प्लास्टिक यूज मत कीजिए। आप एकदम सबसे बड़ा शत्रु समझ लीजिए आपके जीवन का प्लास्टिक को। जितनी नफरत आप संसार में अपने शत्रु से करते जितनी, उससे हजार गुना नफरत प्लास्टिक की किसी वस्तु से कीजिए आप। पर्यावरण की सबसे बड़ी खतरनाक शत्रु है ये प्लास्टिक। लोगों ने पैसे कमाने के स्वार्थ के चक्कर में ये हमारी जिंदगी पर झोंक दिया है, न गले न जले महाराज, कुछ होता ही नहीं है उसका, वो दुश्मन है हमारा। आप जाके देखो समुद्र तट पे, आप देखो नदियों के तट पे प्लास्टिक झूम रही है, ये हमारे लिए नाशक है। उसके कण मिल मिल के हमें पानी में प्राप्त हो रहे हैं, हमारी आयु कम कर रहे हैं, हमें बीमारियां दे रहे हैं। दिल्ली में चले जाओ महाराज, इतना बड़ा कार्टून एकदम पहाड़ खड़ा है, जब हरियाणा से आते पंजाब की तरफ से देखो महाराज पहाड़ी पहाड़ है। तो मैं निवेदन, एक मैसेज है मेरी तरफ से आपको पर्यावरण के लिए, कि आप जो है प्लास्टिक यूज न करें। तो कागज का या किसी और का जो थैले होते वो ले जाएं, और अलग से एक व्यवस्था करें कि नींबू और मिर्च अलग अलग वो आपको दे, एक में न दे। और फ्रीज में कभी भी नींबू और मिर्च को एक साथ न रखें, जल्दी खर्च जल्दी खराब क्या होती है नींबू की मिर्च, मिर्च है नहीं, मिर्च तो लंबी चलती होगी, क्या खराब होती, जो ज्यादा जल्दी खराब होती है उसको रखो फ्रीज में, और जो देर से खराब होती है उसे रखो बाहर। सर्दियों में तो दोनों ही जल्दी खराब होने वाली नहीं है जहां तक मेरा आइडिया है, गर्मियों में व्यवस्था कर लो, और अगर रखनी पड़े फ्रिज में तो एक ऊपरले पार्ट में एक निचले पार्ट में डिस्टेंस के साथ वो रखें, ये बहुत जरूरी कंपलसरी। इसी में एक गुण और आप सीख लीजिए, वो गुण भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, बड़े सावधानी से सुन लो। नींबू मिर्च एक ही जगह एक साथ रह सकते हैं, वो है तुम्हारे घर का द्वार या दुकान का द्वार। प्रत्येक जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुकान अच्छी नहीं चलती, उनको नींबू मिर्च अपने द्वार दुकान के ऊपर लटका देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, जो कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, जो लोग कहते हैं हमारी समस्याएं बहुत होती हैं, उन लोगों को अपने द्वार के फ्रंट पर मेन गेट पर नींबू और मिर्च लटका देनी चाहिए। अब पूछिए क्यों, पूछिए क्यों, अब ये तो मैंने बता दिया उपाय, पर क्यों, अब सुनो यूं, आप सब चाहते हो लक्ष्मी को, लेकिन लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रता। क्या नाम है, दरिद्रता। और दरिद्रता को दो चीज पसंद है, तीखा और खट्टा, तीखा और खट्टा। जब आपके फ्रिज में तीखा और खट्टा उसे मिलता है तो आपकी रसोई तक पहुंच जाती है, वो आपकी रसोई तक पहुंच जाती है, और वो जल्दी से खत्म भी नहीं होता मीठा और तीखा, है ना। अब ले आए एक किलो नींबू, एक दिन में तो खत्म होने वाले हैं नहीं, होंगे तो वो तब तक नहीं जाए जब तक नींबू खत्म ना हो। तुम इतने मांडेड हो कि वो खत्म नहीं होते, उससे पहले दूसरे ले आते हो, मिर्च भी ले आते हो, तो दोनों ही चीज उसे पसंद है, और दोनों एक साथ मिल जाती है तो बड़ी खुश होती है। अच्छा, जब नींबू और मिर्च होगी एक साथ, लक्ष्मी जी को मीठा पसंद है, और तुम्हारे घरों में मीठा कोई खाता नहीं, तो लक्ष्मी जी आए कैसे, मीठा तो अब घरों में है नहीं ज्यादा, कोई की मीठा खाती नहीं, तो लक्ष्मी फिर रहे कैसे, लक्ष्मी जी को वो ही पसंद है, तीखा पसंद है दरिद्रता को। तो दरिद्रता तो कह देती है कि I am staying in your home.
I don't want to go outside because I like your arrangement. You have given me very good food. So वो तो टिक गई. अब क्यों लगाएं द्वार पे? जय सुबह शाम एवरीडे दरिद्रता जी घूमती हैं इधर उधर एवरीडे. अरे इसीलिए आपने देखा होगा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं भैया घर में थोड़ा झाड़ू पोछा लगा के रखो, सुबह शाम थोड़ा लगाया करो, साफ रखो दरवाजा, सुबह और शाम दरवाजा खोल के रखना चाहिए. किसके लिए? लक्ष्मी जी के लिए. दोनों बहन साथ घूमने आती हैं, दोनों बहन साथ घूमने. लेकिन जब दरिद्रता को बाहर द्वार पे तुम्हें नींबू और मिर्च टांग दोगे, अगर वो मिल जाएगी तो वो अंदर नहीं जाएगी. आलसी बहुत है ना, दरिद्रता बहुत बड़ी आलसी है. जब देखा मुझे बाहर ही मिल गया तो भीतर नहीं जाएगी. अरे लक्ष्मी तुम जाओ, हमारा भोजन तो इधर ही है. तो वो झट द्वार पे ही भोजन करेगी, फिर वो अंदर नहीं जाएगी. और घर में हल्की सी मीठी चीज जरूर रहनी चाहिए. तो लक्ष्मी जी सुबह शाम दरवाजा खुले और मिठाई थोड़े घर में हो. तो आप एक महीने ये प्रैक्टिस करके देख लो, अगर आपके घर का वातावरण न बदले फिर हमें बताना. तो मिठाई अगर हो सके तो दुकान में भी रख लिया करो. जब जाओ ठाकुर जी को दुकान में, ठाकुर जी होते हैं ना, मिठाई से ठाकुर जी को भोग लगाओ तो वो पूरे दिन तो रहेगी रहेगी. जब तक दुकान खुलेगी मिठाई खाइयो मत, कहूँ खाए जाए लगा तो भोग. कई लोग तो ऐसे भोग लगाए झट खाए गए. अब लक्ष्मी जी हमें कहाँगो तो वो नहीं, भोग मिठाई का ही लगाओ, चाहे एक पीस ही लगाओ लेकिन वो वहीं रखे रहने दो. और जब दुकान बंद करके चलो तो वो मिठाई का प्रसाद लेके स्वयं पा लो. तुम ना पा सको, शुगर वुगर की प्रॉब्लम हो तो घर के बच्चों को खिला दो, बहू को खिला दो, किसी को भी खिला दो. शुगर वाले ना खाएं, मेरा निवेदन है. और नींबू वहाँ बाहर रखा टंगा रहेगा तो वो तुम्हारी दुकान में भीतर नहीं घुसेगी दरिद्रता, लक्ष्मी ही आएगी. द्वार पे अगर नींबू मिर्च टंगे रहेंगे तो द्वार पे ही दरिद्रता रह जाएगी और लक्ष्मी मैया भीतर चली जाएगी. तो नींबू और मिर्च की समस्या मैंने कर दी आज खत्म. बाकी कब मेरे बाद करेंगे बची कुची, आज ये लोग खत्म. कल एक वीडियो बना के ये पूरा डाल देंगे नींबू मिर्च का. और कैसी लगी नींबू मिर्च वो आप बता देना. एक मैंने ट्राई आप सब करना, और सभी सनातनियों के घरों में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे मेरा हर एक सनातनी, किसी भी जाति का सनातनी, चकाचक लक्ष्मी मैया का कृपा पात्र बना रहे, उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े. इस उपाय से वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. विष्णु पुराण हम लोग सुन रहे हैं, आज पहला दिन है. भगवान आपके मनोवांछित फल को प्राप्त कराए. एक आवश्यक संदेश आप लोग सुन लेंगे, फिर अभी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं आपसे मेरा निवेदन है, नए नए पुराणों की कथा आप सुन रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए. अधिक से अधिक बड़ी संख्या में आप सुना करिए और बच्चों के साथ सुना करिए. और अगर बच्चे नहीं भी सुनते हैं तो ये सुनने के बाद बच्चों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं आपको कथा सुनाता हूं तो आप तक सीमित नहीं रहे वो, आप संस्कार आपके बच्चों तक जाना चाहिए, जिससे आपके बाद आपके परिवार में भगवत कृपा बनी रहे. इसलिए बहुत जरूरी है. आप इसे लाइक तो कर ही रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और ज़्यादा लोगों तक अगर आप पहुँचा देंगे. रीज़न क्या है? दो चार लोग देख लेंगे, एक्स्ट्रा व्यूज हो जाएंगे, व्हाट इज द माय प्रॉफिट? नथिंग. लेकिन जितने घरों में ये चला जाएगा उन घरों में समस्याओं के समाधान होंगे और हमारे सनातनी हैप्पी होंगे. और ये मुझे भी प्रिय है और मेरे गोविंद को भी यही प्रिय है, मेरे गोपाल को भी यही प्रिय. तो एक आवश्यक संदेश आप सुन लें. जब तक आरती न हुआ करे तब तक आप जाया न करें. आप सब लोग ध्यान से सुने फिर आरती करेंगे सभी लोग दो मिनट में. राधे राधे. वृंदावन बिहारी लाल की जय. इस समय जो भी YouTube पर देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए. जहां महाराष्ट्र का नाम लिखा है श्री देवकेंद्र ठाकुर जी, उसके ठीक सामने रेड कलर में लाल कलर में यदि सब्सक्राइब लिखा आ रहा है तो एक बार उसको दबाइए. फिर एक घंटी का ऑप्शन आएगा उसको भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सबसे पहले वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन का आप सभी उसको दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक करें, अंगूठे का ऊपर का जो निशान है, और शेयर कर दें अपने इष्ट मित्रों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि विष्णु पुराण की प्रथम ये भाग ये कथा इसको आप सब लोग हर दिन श्रवण करें. 9 दिन तक ये चलने वाली विष्णु पुराण, जिसमें आज प्रथम दिन हुआ है, कल द्वितीय दिन में 2 बजे पुनः मिलेंगे. और जो भी प्रिया कांजू गौशाला के
सुंदर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा अर्पण करना चाहें, प्रियकांत जी के निर्माण कार्य गौशाला में 11,000 या उससे अधिक की सेवा कर सकते हैं, और भूमि दान में जो भक्त प्रेमी 2100 या फिर 5100 के रूप में करना चाहें, 11,000 के रूप में करना चाहें, जो 11 एकड़ भूमि ली जा रही है, वो आपके स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाई दे रहा है, UPI ID दिखाई दे रही है, प्रियकांत जी गौशाला @ICICI, आप उसके माध्यम से या हमारा गूगल पे या पेटीएम या फोन पे जो नंबर है 9897551777, इसके माध्यम से आप अपनी राशि हमें भेंट कर सकते हैं। और जो भक्त प्रेमी 5100 या उससे अधिक की सेवा करेंगे उनके नाम की घोषणा में कल दोपहर में 2 बजे कथा के शुरुआत में ही करूंगा, तो जो भी आप करना चाहें अवश्य करें। और ब्रज दर्शन 84 कोष यात्रा में जिनको जुड़ना है, जो 23 जनवरी से 29 जनवरी तक ब्रज दर्शन कोष यात्रा हो रही है, उसमें आप वाहनों के द्वारा ये यात्रा होगी, वृंदावन में आपको आश्रम पहुंचना है, और जिनको भी इस यात्रा में जुड़ना है तो bharatdarshan.today वेबसाइट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो आयोजन मुंबई में हैं उनके उनमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो मुंबई सुन रहे हैं, और जो आयोजन इंदौर में भी 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक इंदौर में भागवत कथा है, उन्नाव में कथा है 2 दिसंबर से, तो ये सभी आयोजनों में भी जो आना चाहें और जो सम्मिलित होना चाहें अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं। अभी हम लोग आरती में चलते हैं, आरती का दर्शन प्राप्त करें, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, खड़े होकर सुंदर आरती का दर्शन प्राप्त करेंगे, और कल पुनः ठीक 2 बजे हम सब जुड़ेंगे, कथा का आनंद प्राप्त करेंगे, कथा के विष्णु पुराण की कथा, और जिन लोगों को विदित नहीं है उनको अवश्य बताएं, क्योंकि ये कथा प्रथम बार पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं, तो ये 2.5 से 3 घंटे हर दिन कथा 2.5 घंटे के आसपास रहेगी, तो इस कथा में आप लोग समय निकाल कर जहाँ हैं वहीं से आरती करेंगे, आगे कोई नहीं आया करे, जहाँ पर हैं वहीं से रहें, और कार्यक्रम के तुरंत बाद ही आरती के तुरंत बाद 2 मिनट बाद महाराष्ट्री के निवास पर जिनको महाराष्ट्री से मिलना है वो महाराष्ट्री के निवास पर जाकर ऊपर मिल सकते हैं। आइए आरती में सभी सम्मिलित होते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्या पे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहू में किसकी, स्वामी शरण गहू में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो मरता, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट
क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदना। ओम देव हो जान्ति रंदरिक्ष गुंजान्ति पृथ्वी जान्ति रापः जान्ति लोकदया जान्ति वनपदया जान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म जान्ति द्रवगुंजान्ति जान्तिरेव जान्ति सामा शान्तिरेधि मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जज्ञेनात्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतवान्यासन्ना देहनाकं महिमानः चदन्त जत्र पूर्वे साध्याः चान्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृन्दावन विहारी लाल की जय। श्री विष्णु महापुराण की जय। प्रियाकांत जो भगवान की जय। परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जितने भी भक्त प्रेमी इस समय YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जो रेड कलर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और लाइक करिए और शेयर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करिए। जैसा मैंने कहा कि प्रियाकांत गौशाला के लिए अपनी सेवा अर्पण करिए, और चाहे एक पग भूमि की सेवा 2100, तीन पग भूमि की सेवा 5100, ये जो भी सेवा 5100 या से अधिक की सेवा करेंगे उनके नाम की घोषणा कल दोपहर में हम करेंगे। और ठाकुर जी भजन के नाम से YouTube चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिए, राधे राधे। और VSSCT ऑनलाइन के नाम से YouTube चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिए। और जिस प्रकार बताया गया है ठाकुर जी भजन और VSSCT ऑनलाइन के नाम से, देवांश ठाकुर जी के नाम से, इन सब चैनलों को भी सब्सक्राइब करके आप लोग जो भी डिस्क्रिप्शन वीडियो में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और वहां से आप सब लोग सोशल मीडिया से अधिक से अधिक जुड़ें। ठीक 2 बजे कल पुनः मिलेंगे, तब तक आप सभी को राधे राधे। जो भी जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है, ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देव के नंद की। की पावन भूमि पर बन रही प्रियाकांत जू गौशाला का भूमि पूजन पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में विजयदशमी के पावन अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस गौशाला के निर्माण हेतु आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रियाकांत जू गौशाला के निर्माण हेतु करें सहयोग। सुरभि परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 3,00,000 रुपए, प्रियाकांत जू परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 1,11,000 रुपए, सखा परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 51,000 रुपए, सहयोग सेवा 11,000 रुपए। इस गौशाला के चारे हेतु ब्रज भूमि में भूमि दान करें। प्रियाकांत जू गौशाला के लिए 11 एकड़ भूमि ली जा रही है, आइए हम सब मिलकर ब्रज भूमि में भूमि दान करें।
सेवा इस प्रकार से है, आजीवन गौचारी की सेवा 111,000 रुपए, 5 साल गौचारी की सेवा 51,000 रुपए, 1 साल गौचारी की सेवा 11,000 रुपए, 3 पग भूमि की सेवा 5100 रुपए, 1 पग भूमि की सेवा 2100 रुपए, गौ परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 11,000। ये सेवा राशि हमारे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या UPI ID से भी भेज सकते हैं, priyakantjugaushala@icici। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर से भी सेवा राशि भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9897551777। आप हमें सेवा राशि भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7351111441 पर स्क्रीनशॉट भी भेजें या हमारे अकाउंट नंबर में सीधे जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम प्रियाकांत जू गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट, अकाउंट नंबर 10170500145, IFSC कोड ICIC000107, ब्रांच नेम ICICI बैंक लिमिटेड वृंदावन। युवा, यूथ तमाम तरीके के प्रश्न धर्म के प्रति रखता है, भगवान है कि नहीं, भगवान को मानना चाहिए कि नहीं, भगवान किसी ने देखा है, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, और जो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में नहीं भी हैं इस प्रकृति से संबंधित, उनके भी उत्तर आपको मिलेंगे कहाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। जानते हैं धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और हमारे ऋषियों का पुराण क्या है, ऋषियों का विज्ञान क्या है, ये जानेंगे। राधे राधे। सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वरम गया जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन, श्याम श्यामा के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, बने अपनी भी एक कुटिया वहां, कण कण में बसते हैं श्यामा श्याम जहां, इतना ही नहीं पूज्य महाराष्ट्री और श्री प्रियाकांत जू के नित्य दर्शनों का पुण्य लाभ भी मिलेगा जहां, पूज्य देव की नंदन ठाकुर जी महाराज के अनुज और वर्षों से समाज सेवा में रत विजय शर्मा जी के नेतृत्व में VSW रियल स्टेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने बीड़ा उठाया है आपके सपने को मूर्त रूप देने का, संस्था के सदस्यों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, मात्र 111,000 की एडवांस राशि के साथ श्री प्रियाकांत जू मंदिर के पास ही अपना फ्लैट प्लॉट और विला लेकर अपना आशियाना बनाने का, टोटल राशि पर 10% की छूट पाएं और सौभाग्य पाएं त्रिलोक में दुर्लभ वृंदावन वास का, एडवांस राशि आप हमारे ICICI बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं, अकाउंट नंबर है 10170500132, अकाउंट नेम VSW रियल स्टेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, IFSC कोड ICIC000107, ब्रांच वृंदावन। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7351111900 पर कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.vsw.co.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी अगस्त में होने वाले जन्माष्टमी महोत्सव में दी जाएगी। राधे राधे।